हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? अच्छे हैं? और इधर बना रही है हमारी ये सोनम दीदी रोटियां। देखिए ये रोटी बन रही है सोनम दीदी की ये, और बनाया है खाने में हमने ये मटर गोभी की सब्जी, और मैंने तल ली यहाँ पर ये खिचला, और इधर बनाई हमने ये सेव की सब्जी। तो सब्जी तो हमारे घर में बनती हैं। हेलो गाइस, आज ऋषि का आ गई है वीडियो बनाने। आज संडे है, संडे है तो आज जल्दी आ गए 12 बजे। हम लोगों ने ड्रेस पहन ली के निकल आ रहा है। हमारी पिछले संडे की एक वीडियो अधूरी रह गई थी, तो आज हमने सोचा कि उसको कंप्लीट कर लें। तो मैंने अंदर ड्रेस पहन ली थी, मतलब पूरी ड्रेस पहन ली थी, फिर मैंने ड्रेस निकाली, जीन्स टॉप पहने, और मैंने ड्रेस की शर्ट नहीं निकाली है, उसको पहन लिया। और अब मतलब वो आ जाएगा तब हम वो वाली वीडियो कंप्लीट करेंगे। अभी हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं, तो जब तक और क्या, ऋषिका ने आज बहुत अच्छी ड्रेस पहन रखी है, और इधर वंदना ना कराएंगे ठंड में। आज बहुत ज्यादा ठंड है, और ये हमारा दूध आया, मैंने दूध को गर्म कर लिया, और इधर मैं तपा रही हूँ ये मलाई को, ये बना रही हूँ इस मलाई का। कुछ घी निकल आता है और मलाई नहीं निकालते तो दूध में फालतू बैठ चली जाती है, इसलिए घी भी काम में आ जाता है। और यहाँ पर चावल का आटा रखा था थोड़े से थोड़ा सा, तो मैंने सोचा इसको ख़त्म कर दूँ, तो मैंने बना लिया यहाँ पर ये चावल के लड्डू। और आज सब्जी में लिए मैंने ये सजने की करी भी ताई ताई, और यहाँ पर मैंने जो घी गर्म किया था तो राकेश खा रहा है उसको। ये देखिए सारा फिनिश कर दिया है, बहुत अच्छा लगता है मावा जैसा, है ना। यहाँ पर देखिए मैंने सांटे को तोड़ा है, जरा सा सांटा था और कितने सारे टुकड़े हो गए, इतना खस्ता सांटा, कहीं से काटा और कहीं से टूटा, और एकदम खाने में ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ खा रहे हों उबले हुए आलू ऐसे। देखो जरा ही देर में टूट जाता है ये सांटा, और ये राकेश खा रहे हैं सांटा। राकेश कैसा लगा, कभी लाइफ में खावे ऐसे सांटा? कभी नहीं, इतना नरम सांटा, मतलब थोड़ी सी देर में टोड़ थोड़ी देर में टोड़ जा रहा है। लड्डू जैसा सांटा खा रहा है, उसका भूरा तो देखो, देखो कैसे फैल रहा है, ये भूरा सा भी नहीं लग रहा ऐसा सांटा, मैंने तो कभी नहीं देखा लाइफ में, इतने टेस्टी और इतने स्वादिष्ट है। का नाम है तुम्हारा, नाम बताना। नाम क्या है? हेलो गाइस, मेरा नाम है कार्तिक, और मैं वीडियो बनवाने के लिए आया हूँ। तुम भी हाँ, तुम बना रहे हैं ना वीडियो, तो तुमने टॉयलेट कहाँ कर दी? टॉयलेट बताओ कहाँ पर कर दी? वहाँ पे क्या कर दी तुमने? बोली कहा नहीं बाथरूम में ले जाते। ये वंदना दीदी के कलाकार हैं, वीडियो बनवाने के लिए आए हैं, और इन्हें टॉयलेट का भी ख्याल नहीं रहता। कलाकार जैसे क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया बोल रही है। हम तो यहाँ पर वीडियो बनवाने आए हैं। कार्तिक दोबारा सो जाओ, हम ये खा रहे हैं। हेलो गाइस, जल्दी जल्दी कार्तिक, कार्तिक एक रोल ले ले फिर। कार्तिक दोबारा सो जाओ, सो जाओ दोबारा, ऐसे लेट जाओ, ऐसे लेट जाओ, एक हाथ रख के। मम्मी तुम कार्तिक को सांटा कैसा लगा? बहुत मीठा और बहुत अच्छा भी है। कड़ा खा के खस्ता है, खस्ता है और बहुत अच्छा भी है, और बहुत मीठा भी है, बहुत मीठा भी है। कार्तिक गाने पे डांस करोगे? मैं मोबाइल में बजाऊंगी, ठीक है? कौन से गाने पे, कौन से गाने पे डांस आता है कार्तिक को? गाइस देखिए आज ऋषि गाने नहाया नहीं है, इसलिए अब नहीं नहाया, बदबू आ रही है मुझे तो। बताए बताओ मैं नहा तुमने आज? गाइस आज मैं और मेरा भाई हम दोनों नहा नहीं रहे थे, मम्मी ने बातें लगा लगा के दोनों नहा दा। कैसी बातें लगाई? मैं नहीं बता रही। अच्छा है, मतलब बढ़िया बढ़िया स्टोरी है, भी बताओ ना। गाय दिन के धोखे से नहा दिया आज, पहले की पहले बोला कपड़े दे, मैं कपड़ा धुलूंगी, और क्या गाइस मम्मा ने बोला तुम नहीं नहा रहे तो ठीक है आज पैर धुल लो और कपड़ा दे दो, मैं कपड़ा धुलता हूँ। तो आज मंडे था तो मम्मी ने बोला चल तेरा सिर धुला दूँ, चली गई बाथरूम में, तो मम्मी ने बोला कि पहले नीची मुंडी कर ले, मैंने सिर धुला दिया इतना, और फिर पानी डाल दिया क्योंकि मैंने कर नहीं नहाया था, इसलिए उन्होंने आज नहला दिया मुझे। क्या करें बच्चों को, इतनी से नहाने पड़ता, धोखाधड़ी से जब नहाते हैं नहीं तो बस बिना नहा ही रह जाते हैं, इतनी तेज ठंड जो पड़ रही है बहुत ज्यादा। हाँ गाइस, और अब मैंने नहा लिया तो मुझे ठंड नहीं लग रही, चाची पूछ रही थी तो मैं ठंड नहीं लग रही का, तो मैंने बोला मुझे ठंड नहीं लग रही, नहीं लगती ठंड आने के बाद, नहीं लगती ठंड और खाने के बाद लगती है ठंड। हाँ गाइस, और ये सोनम ने मंगाए हैं बच्चों के लिए खाने के लिए, ये पोंगा रहे और ये छोटे वाले पोंगा रहे,
और ये इसमें पैकेट रही है सब खाने के लिए, वीडियो में बच्चों के लिए मंगाएं सारा सामान। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, भूख तो लगती है। और यहाँ पर वंदना तैयार हो गई है गाने की शूटिंग के लिए, गाने की वीडियो बनाएंगे। कौन से गाने पर डांस करेंगी? दो तीन गाने हैं मेरे, तो सबसे ज्यादा अच्छा गाना है वो वाला माही 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 मैनु चला, उस गाने से ही ना इसके बताना, उस पे करूंगी मैं डांस। बताइए ये डांस मैं तो बिल्कुल माहिर, मैंने पता है मतलब ना कहीं कहीं से कॉम्बिनेशन किया है, जो सूट की चुन्नी आई है अलग से, ब्लाउज साड़ी पहनने वाला, जो लहंगा का स्कर्ट है कॉम्बिनेशन बनाया है, तीनों अलग अच्छी रही है, सब अच्छे लग रहे हैं, कॉम्बिनेशन ये बनाया बहुत अच्छी लग रहा है, सब कपड़ा बहुत अच्छे खुल रहे हैं तुम पे। चले यार डांस पर कौन कैमरा कौन पकड़ने वाला, कोई भी नहीं आएगा, अनुज भैया। हाँ और यहाँ पर निकल एडिटिंग कर रहे हैं सब, चले गए वीडियो बनाने, तो निकल के लिए बेकार लग रहा है, क्या कर रहे हैं निकल एडिटिंग कर रहे हैं, देखिए ये वीडियो मुझे बेकार लग रहा है, सारे लोग वीडियो बनाने चले गए बाहर और मैं अकेला यहाँ पर एडिटिंग कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही अकेला अकेला महसूस हो रहा है, मुझे यहाँ पर अभी अच्छा नहीं लग रहा है। पढ़ने नहीं जाते, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं तो अभी 9th क्लास में पढ़ता हूँ। पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता, पढ़ना क्यों नहीं लगता पढ़ने में मन? पता नहीं गाइस मेरा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता, वीडियो बनाना अच्छा लगता है। हाँ वीडियो बनाना अच्छा लगता है। वो जी पढ़ने नहीं गए 8 दिन से और यहाँ पर आ जाते हैं सोनल के पास पढ़ने में, पता नहीं इनको क्यों मन नहीं लगता, पढ़ने में मन लगा जा भाई तो कामयाब होगे तुम। गाइस मैं पढ़ने जाता हूँ ना तो वहाँ पर बैठता हूँ और सर बोर्ड पर सिखाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, दिमाग खराब है तुम्हारा, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ना। और यहाँ अच्छा लगता है वीडियो एडिटिंग करना। अच्छे से बोलता है, मैं इसमें गाने चलाऊंगा। जी कच्ची ये वंदना ये इसको साउंड बोल देंगे, एम्पलीफायर बोल देंगे, लेकिन टिंका नहीं बोलूंगी। और ये वंदना ने संदेश लेकर आई है, संदेश से मंगाया, मेरा खराब हो गया, मैं अब इसको ज्यादा भी नहीं करती ना, इसलिए फिर ध्यान गाइस से डी जाने का डी जाएगा ये। ओ देखो ये सच में डीजे जैसा लग रहा है गाइस, बिल्कुल बड़ा रखा है, एक और वो है ना उसका चार्जिंग केबल पता नहीं कहां है, उसको लाने ले जाने में बदन लगता है, वो अपन हम उसे बजरंग कर लेके गए थे। हां ये वाले कितना प्यारा लग रहा है डीजे, बिल्कुल खिलौना ही खिलौना है, और ये डीजे है गाड़ी वाले डीजे 500। यहाँ पर चल रही है डांस की शूटिंग और ऋषिका कर रही है, देखो देखी वंदना के कॉफी राइड कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बताना कॉफी राइड करके अभी एक और करो तो गर्दन तो नहीं चटक गई, दिमाग तो नहीं हिलगाओ हिलगाओ तो दिमाग और दिमाग हिल जाता, तो देखते हैं अब डांस कैसा चल रहा है यहाँ पर। और रात में कंडे गीले हो गए थे थोड़े थोड़े, फिर मैंने है ना इनको ढक दिए, रात में बारिश हुई थी तो यहाँ पर मैंने कंडे लकड़ियों के लिए ढक दिया, यहाँ पर ये देखिए ढक रहे हैं, ये देखिए। रुकाई तो जा रहा है देर में, आज खाने में बना रही हैं आलू के पराठे और मैंने रख दिए हैं आलू उबालने के लिए, मैंने इतने धुले फिर भी ये मट्टी लग रही है, ये सभी आलूओं को धुल लिया है मैंने, तो आज खाने में बना रहे हम आलू के पराठे, तो मैंने रख दिए हैं आलू उबालने के लिए, और यहाँ पर उबल गए आलू और मैंने मटर भी डाल दी थी इसमें, तो ये मटर भी उबल गई साथ में और अच्छी लगती है आलू के पराठों में मटर, और यहाँ पर उबल गए हमारे आलू और मटर, और इधर कट गई है मिर्ची और प्याज सोनम काट कर चली गई, और इधर लग गया हमारा ये आटा, और यहाँ पर बन गई हमारी चटनी और पराठे बनना भी चालू हो गया, ये देखिए हमारे पराठे बन गए और इधर बन रहे हैं और इधर बन भी गए हैं, और इधर सब चल रहा है खाना, इधर राकेश खा रहा है, इधर वंदना खा रही है ये, और इधर खा रही है ये सोनम दीदी, सोनम पराठे अच्छे लगे। हेलो गाइस ये देख सकते हैं ऋषिका को हमने बनाया गरीब कारण, और ये अब्बू गाइस ये है निखिल प्रजापति। निखिल आप कुछ बोलना चाहोगे? दो शब्द बोलो, एक और दो नहीं कुछ अच्छा बोलो जिससे मेरा दिल खुश हो जाए। 10/80/1920 गाइस मेरा नंबर लिखो 9343। अब नहीं बोलूंगा अरे भाई नहीं तो मेरा नंबर रिलीज हो जाएगा। चार अंक अच्छा गाइस अब हम चलते हैं शूटिंग करने, वीडियो निकाल के रख दी है ना कर लेना। हेलो गाइस मैं आप लोगों को सोनम दीदी का नंबर बता रहा हूँ 9
सुनिए, अब नहीं बताऊंगा इतना ही। बाय दोस्तों। बाय बाय। रही तो आज खाने में बन रही है ताजी ताजी मेथी की भाजी, हमारे खेत से तोड़ कर लाए थे जो अभी लेकर आए हैं रात को, और बना रहे हैं खाने में। ये भाजी की सब्जी है, हरी मिर्ची काट ली है मैंने, और ये मैंने लहसुन छील लिया है, उसको मैंने कर लिया है ऐसे और इधर रख दिया है मैंने तेल, और बन गई हमारी ये भाजी। देखिए मेथी की भाजी कितनी अच्छी लग रही है। और ये आए हैं लेकर जामफल ताज़ा ताज़ा खेत के तोड़ करके, और ये मैंने रख लिया है मुझे खाने के लिए, क्योंकि इसमें बीजा नहीं है ना, तो मैंने रख दिया इतना सारा जामफल, और ये जामफल खा रहे हैं ये ताज़े ताज़े। और आज नाश्ते में बनाए हैं पोहे, और खाने पर टूट पड़े हैं इधर राकेश, रहे इधर सोनम, और ये देखिए इसमें समोसा है, मैं चटनी लेने वाली हूं समोसा, और जलेबी, और ये कचौड़ी, यहाँ पर सबका नाश्ता चल रहा है। ये देखिए आज मैंने लिए सब्जी वाले भैया आए थे तो ताज़ा ताज़ा, देखिए कितना ताज़ा गोभी है, और ये भी फूल गोभी कितना ताज़ा है, और ये रही हमारी हरी मिर्ची, और ये आलू, ये भट्टे, और यहाँ पर धनिया, और ये ताज़ा ताज़ा मटर, इतनी अच्छी आती है खेतों में ऐसे ही। और इतनी सारी सब्जी ले ली मैंने आज, कुछ भी नहीं था सब्जी में खाने में।